नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एम के पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके हरियाणा में BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, MSc नर्सिंग, MPT, BPT और BSc पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए काउंसलिंग प्रोसेस कब तक हो सकता है और क्या इसका टेंटेटिव शेड्यूल रह सकता है। लेटेस्ट जो अपडेट है आज 8 सितंबर की, वो आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। हमने 2-3 दिन पहले ही आपके कॉन्टैक्ट किया था, जो आपका हेल्पलाइन नंबर इस पर दे रखा है, उस हेल्पलाइन नंबर पर वेबसाइट पर जो दे रखा है इस पर, और उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो हम आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में। तो चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की कट ऑफ आपके कॉलेज और कोर्स वाइज हमने बना रखी है, वो सारी वीडियोस, उसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जो आप डिटेल में देख पाएंगे। तो हर एक कैटेगरी, कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज कट ऑफ हमने बना दी है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वीडियोस वो चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी तक जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपका रोल नंबर वाइज जो रिजल्ट CET 2024 का रिलीज हुआ वो आपको इसमें दे रखा है। अब हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस कब तक हो सकता है। तो हर साल की तरह पिछले 2 साल का अगर हम पैटर्न फॉलो करें, तो सितंबर के सेकेंड या थर्ड वीक में पिछली बार आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो गया था। तो इस बार भी सितंबर के थर्ड या फोर्थ वीक में थोड़ा सा 1 वीक का या 10 दिन का डिले हो सकता है, और अक्टूबर में आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के फर्स्ट वीक तक तो हो ही जाएगा, और सितंबर के थर्ड या फोर्थ वीक तक चांसेस हैं। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आपका सितंबर के थर्ड या फोर्थ वीक में होगा, और अक्टूबर में फर्स्ट या सेकेंड वीक में फिर आपकी सेकेंड वीक में आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग हो जाएगी। बाकी थर्ड और मोक राउंड काउंसलिंग आपकी नवंबर दिसंबर तक चलती रहती है, इनकी जनवरी तक भी, पिछली बार तो जनवरी तक भी आपका मोपअप राउंड, सेकेंड आपका स्टे राउंड, फर्स्ट स्टे राउंड, थर्ड स्टे राउंड हुआ था। तो इस प्रकार से इनका चलता रहता है, लेकिन सेकेंड राउंड के बाद सभी कोर्सेज की क्लासेस आपकी शुरू हो जाती है। तो ऑलमोस्ट नवंबर से आपकी जितने भी आपके BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, BPT, फिजियोथेरेपी कोर्सेज जितने भी आपके होते हैं, उनकी क्लासेस नवंबर में शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में, सेकेंड राउंड के बाद किसी की, बहुत सारे कॉलेजों में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद भी अगर एडमिशन्स हो जाते हैं 70-80% सीटों पे, तो उनमें फर्स्ट राउंड के बाद भी काउंसलिंग जो क्लासेस हैं वो आपकी शुरू हो जाती हैं। अभी तक का अपडेट है कि फर्स्ट राउंड ऑफ की काउंसलिंग थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ सेप्टेम्बर में हो सकती है। हमने जब हेल्पलाइन नंबर पर बात की तो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि आप वेबसाइट विजिट करते रहिए, जो भी टेंटेटिव शेड्यूल या डेट होगी वो आपको वेबसाइट पर नोटिस के थ्रू मिलेगी। उनको कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है कि क्या डेट, कोई भी डेट अभी तक डिसाइड उनकी तरफ से जो बोला गया कि नहीं हुई है। जो भी होगा वेबसाइट पे आपको नोटिस आएगा सबसे पहले, और तभी उनको पता चलेगा। तो वो कोई भी टेंटेटिव डेट बता नहीं रहे, लेकिन पिछले 2-3 साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग सेप्टेम्बर में सेकेंड थर्ड फोर्थ वीक में आपकी काउंसलिंग होती है, तो वही होने के आपके चांसेस हैं। तो जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस का कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे, और कट ऑफ की वीडियोस की प्लेलिस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।